तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेंटेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यही जो है ग्रामर का जो है आपका बेसिक चीज है, इसको समझना जरूरी है ग्रामर पढ़ने से पहले। तो ध्यान दीजिएगा सेंटेंस क्या होता है। ये जो सेंटेंस है जिसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस जो होता है कैसे बनता है, सब्जेक्ट सेंटेंस बनता है शब्दों के मिलने से, वर्ड के मिलने से, ठीक है। तो वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, लेकिन वो वर्ड जो है एक मीनिंगफुल हो, अरेंज हो, एक मीनिंग वाइज, अगर मीनिंग लेस होगा तो वो सेंटेंस नहीं कहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इसका एग्जाम्पल परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे सेंटेंस पढ़िएगा तो ये चार प्रकार के होते हैं, सॉरी पांच प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं पहला को, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम स्टेटमेंट होता है, इसका दूसरा नाम और होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसको बोलते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये जो है पांच प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, अभी कॉपी कीजिए। तो अब हम लोग जो है एक एक करके जो है इसमें सीखेंगे सेंटेंस का जो प्रकार है उसका डिफिनेशन, ठीक है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक चीज होता है, मतलब वैसा सेंटेंस जो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो स्टेटमेंट, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका परिभाषा अगर लिखा जाए तो क्या होगा, तो परिभाषा में जो है ए सेंटेंस विच हैज या विच एक्सप्रेस सेस पॉजिटिव एंड निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा सेंटेंस जिससे यह व्यक्त होता है कि वो सेंटेंस सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो उस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस,
असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसा सेंटेंस जिसमें जो है सकारात्मकता का बोध होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का बोध होता है। इसमें जो है हमेशा स्टेटमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये इसमें जो है हमेशा जो स्टेटमेंट होगा वो निगेटिव होगा। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे बोले आई प्ले फुटबॉल, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो आप लोग बोलिए ये सर ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव का भावना हो रहा है, इसमें मिल रहा है। लेकिन एक लड़का बोला आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। उसी तरीका से लेके चलते हैं ही डिड नॉट लाफ, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, सही, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाता, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस का हो गया, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, और ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें कौन असर्टिव है और कौन निगेटिव है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, INTEROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे प्रश्न पूछने का बोलता है। ए सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आया समझ में? वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, इसमें क्या प्रश्न बोलते हैं? तो डू यू नो मी, आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, क्या तुम मुझे जानते हो? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये भी हो गया। व्हाट व्हाट नहीं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन। मीन्स क्या हुआ कि जिस प्रश्नों को आंसर, मतलब आंसर जिन प्रश्नों का उत्तर जो है आपका यस या नो में होता है उसी को हम लोग यस नो टाइप बोलते हैं। जैसे पहला इसमें आपको एग्जांपल दिए, क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो बोलेगा क्या, हाँ या ना, मैं तुम्हें हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, ना मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इस तरीका से यह होगा। उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एच वर्ड है, इसमें डब्ल्यू एच लगा हुआ है, तो डब्ल्यू एच वर्ड की पहचान कैसे करेंगे? तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले हमें जानना होगा कि किसे कहते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड जो वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, जैसे वेयर हो गया, वाई हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, वेन हो गया, फिर क्या होगा, वेन वेयर हुज वाई, फिर हाउ हो गया,
ये एक्सेप्ट में है, एक्सेप्शन में है कि ये हाउ एच एच ओ डब्ल्यू है, इसमें ए से शुरू होता है, लेकिन इसको भी हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, इसको बोलते हैं, ठीक है। हाउ हो गया, फिर व्हाट हो गया, तो इस तरीका के सेंटेंस को हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। मैंने जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं। तो अब हम लोग जो है थर्ड जो है पढ़ने वाले हैं, थर्ड जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। मन लग रहा है ना, ध्यान दो। थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, सेंटेंस ध्यान दीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब वैसा सेंटेंस, ए सेंटेंस, सेंटेंस डैट एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस ए कमांड कॉमा रिक्वेस्ट। ध्यान दीजिए, ए सेंटेंस डैट एक्सप्रेसेस ए कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, सलाह जिसको बोलते हैं, एंड प्रोहैबिटेशन मनाही, प्रोहैबिटेशन, प्रोहैबिटेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस तरीका से बोल दिया, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कमांड, कमांड मीन्स आदेश। अभी जैसा बोले फिनिश, एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जांपल में बोले फिनिश, ध्यान दीजिएगा, हाँ, फिनिश माय वर्क एट वन, एट फिनिश माय माय वर्क एट वंस, मतलब मेरे कार्य को तुरंत समाप्त करो, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दो, रिक्वेस्ट हो गया। अब एडवाइस बोलते हैं, एडवाइस में क्या हो सकता है कि टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन एट टाइम, समय पर दवा लीजिए। एक और ले सकते हैं क्या, कि जैसे इसमें हो सकता है प्लीज, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज स्टे एट होम, स्टे एट होम इन द लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में जो है घर में रहिए, इस तरीका से। तो ये सेंटेंस हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं, उतार लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब, ये हमेशा वर्ब से शुरू होता है, इसको पहचानने का ये तरीका है, ठीक है। हमेशा ये वर्ब से शुरू होता है, और इसके बाद अभी हमको पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब वैसा सेंटेंस जिसका पूछेगा ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस या डैट एक्सप्रेसेस, डैट ई एक्स पी आर ई डबल एस एक्सप्रेसेस ए कमांड, सॉरी कमांड नहीं, ए सेंटेंस डैट एक्सप्रेसेस सर्टेन फीलिंग, सर्टेन फीलिंग, नो नो सर्टेन, ये हो जाएगा एक्सक्लामेटरी में आपका हो जाएगा, ए सेंटेंस डैट एक्सप्रेसेस ए प्रेयर, प्रेयर विश,
ध्यान दीजिए, प्रेयर विश एंड कर्श, एंड कर्श मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें प्रार्थना, कामना या इच्छा या श्राप देने का बोध होता है, तो इज नोन एज, इज नो एज आपको बोलते हैं एक कौन, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। सर एग्जांपल में हम कैसे बोलते हैं, प्रेयर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए प्रेयर कैसे करते हैं, हम बोले कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, ये हो गया आपका प्रेयर का हो गया, समझ रहे ना, हाँ मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन अभी हम आपसे कर्ज देते हैं कि मे यू डाई सून, तुम अब जल्दी मरो, है तुमको हम अभी दे दिए सलाह, ठीक है। तो इसको बोल दिए कौन सा सेंटेंस, हाँ ये कर्ज वाला हो गया, ठीक है ना। हाँ अभी हम आपको कामना करते हैं, देखिए अभी हम कामना क्या करते हैं, अभी देखो मे यू कम फर्स्ट इन योर क्लास, मे यू कम फर्स्ट इन योर क्लास, तुम अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसको भी आप लोग उतार सकते हैं, तो उतार लीजिए इसको, ठीक है। तो आप लोग अभी उतार लीजिए इसको। तो अभी हम लोग आते हैं इम्परेटिव के बाद होता है ऑप्टेटिव, अब लास्ट बच गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किससे करते हैं। तो इसे आपने कॉपी में उतारिए और उतार कर जो है इसको याद कीजिए, पहचानिए किस प्रकार की कौन सेंटेंस है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ग्रामर का। यदि आप सेंटेंस को पहचानना जान जाएंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाना भी, ट्रांसलेशन में सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इस तरीका से पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले हमें ये सेंटेंस पढ़ना होगा, सेंटेंस पहचानना होगा, तभी पता चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग इससे पढ़िए। इस लॉकडाउन में हम लोग घर पर बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ चुका है, 3 मई 2020, तो इसको हम लोग लॉकडाउन में पढ़ाई करेंगे। जब स्कूल खुलेगी तो हम लोग स्कूल में क्लास लेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, अपना नाम कमेंट कीजिए, ताकि हम जान सकें कि कौन कौन विद्यार्थी मेरा वीडियो को देख रहा है, ठीक है ना। तो आते हैं लास्ट में होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बहुत अच्छा सर, ये इजी है आप लोग का पढ़ने का। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादि, एक्सक्लामेशन से बना है, विस्मयादि बोधक मार्क्स पढ़े ना, एक्सक्लामेशन मार्क्स होता है मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसका मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें अचानक जो है खुशी हो, ठीक है, दुखी हो, अचानक सरप्राइज है ना, मतलब इस तरह का भाव व्यक्त होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए a sentence that express a joy, comma sorrow, comma contempt, ध्यान दीजिए contempt, applause, A double P L A L applause and surprise is called exclamatory sentence, is called कौन sentence बोलेंगे इसको, exclamatory sentence। समझ में आ रहा है ना आप लोगों, हाँ तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम इंडिया जीतता है तो हम लोग हल्ला करते हैं, क्या हल्ला करते हैं, हुर्रे, क्या बोलते हैं, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच,
किस तरीका से बोलते हैं, अपने अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन को हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसे हो रहे हैं, तो उसके बाद में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। ये भी पहचानने का तरीका है कि जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे आप ही हम क्या करते हैं, बहुत भारी गलती हो गया हमसे, भूल हो गया कुछ, ब्लंडर मिस्टेक जिसको बोलते हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे ओह आई कमिटेड ए ब्लंडर। तो हम जो है कोई भारी भूल कर दिए, है ना, इस तरीका से हम लोग बोलते हैं। अगर बच्चा जो है एग्जाम में फेल हो गया, अभी तो आप लोगों का एग्जाम हुआ नहीं और आप लोग अगले कक्षा में हमें लगता है कि आप लोग प्रमोशन हो गए हैं, तो पहले जो बच्चा फेल हुआ था तो लोग कहते थे, बच्चे को चिढ़ाते थे बोल के, क्या कि छी छी तुम एक बार और फेल हो गया, बोलता ना है। तो इस तरीका से उसको बोलेंगे फी यू फेल्ड, ध्यान दीजिए, फी यू फेल्ड वंस अगेन। तो इस तरीका से लोग बच्चे को चिढ़ाते थे, है ना, समझ में आ गया। तो ये आपका पांच जो है सेंटेंस हो गया, पूरा सेंटेंस का क्लास कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग और भी होते हैं सेंटेंस, लेकिन ये आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, क्लास एट तक या नाइन टेन तक जो है इतने ही प्रकार के सेंटेंस, टेन तक के बच्चों को इतने तक ही पढ़ना है सेंटेंस। तो इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छा से और कॉपी में उतार लीजिए, इसे याद कीजिए, और ये आप ही लोग के लिए फायदे है। तो इसे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो कराइए आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।